कोरोना को लेकर अब चिंता की एक नई बात सामने आ रही है। संक्रमण को पकड़ने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट से कोरोना पकड़ में आ ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। 20% मामलों में रिपोर्ट गलत आने के भी संकेत हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आपको बता दें, लगातार आज तक इस मामले की पड़ताल कर रहा था और जो बात निकलकर सामने आई है वो चिंताजनक है, वो डराने वाली है। जिस आरटीपीसीआर टेस्ट को सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जा रहा था, उस आरटीपीसीआर टेस्ट से कोरोना पकड़ में आ जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आरटीपीसीआर नेगेटिव आने के बावजूद लंग्स तक संक्रमण के पहुंचने की शिकायतें मिली हैं, जो अस्पताल में मरीज के भर्ती होने के बाद ही पकड़ में आया। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। एक तरफ कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं, लोग वक्त पर इलाज नहीं मिलने से परेशान हैं, और अब एक नई मुसीबत सामने आ रही है। डराने वाली बात यह है कि संक्रमण को पकड़ने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट पर अब 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। आरटीपीसीआर जांच पर उठने लगे सवाल, हर पांचवें मरीज की रिपोर्ट गलत, कोरोना है लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। देश के तमाम राज्यों में लगातार ऐसे मरीज मिल रहे हैं जो कोरोना के लक्षणों से पीड़ित तो हैं, लेकिन इसके बावजूद टेस्ट रिपोर्ट बार बार नेगेटिव आ रही है। यानी कोरोना की दूसरी लहर में वायरस इस तरह से हमलावर है। इस बार वायरस पकड़ में नहीं आ रहा तो इसकी कई वजह हैं, जैसे या तो वायरस नाक या गले में मौजूद नहीं था, या वायरस का लोड ज्यादा नहीं था, गले या नाक की जगह फेफड़े में इन्फेक्शन था, इस वजह से वो आरटीपीसीआर में पकड़ नहीं आया, वायरस का नया म्यूटेशन था। अब तक ये देखा जा रहा था कि आरटीपीसीआर ही वो ही तरीका है ये देखने के लिए कि एक व्यक्ति कोरोना वायरस का पेशेंट है या नहीं, लेकिन कोरोना वायरस के दूसरे वेव में ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे सारे लोग हैं जो दरअसल कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट ये डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं कर पा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर पांचवें कोरोना पीड़ित के केस में वायरस जांच को धोखा दे रहा है, यानी पकड़ में नहीं आ रहा है। ये ज्यादा बड़ा खतरा है क्योंकि मरीज क्वारंटीन या आइसोलेट नहीं हुआ, वो लोगों में घुलता मिलता रहा जबकि उसको इन्फेक्शन था। ऐसे मरीज लगातार वायरस फैलाने का काम कर सकते हैं। देश में वायरस के जो नए वेरिएंट मिले हैं वो ज्यादा संक्रामक हैं। इतना ही नहीं, वायरस अलग अलग प्रकार के भी हैं। दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या इसका सबूत है कि वायरस की प्रकृति बदल गई है और ये पहले से ज्यादा घातक है। आज तक ब्यूरो।